नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है पीएम मोदी के द्वारा होने वाले उद्घाटन को लेकर ज्यादातर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं विपक्षी नेताओं का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए हालांकि इस बीच बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सबको चौंकाने वाला फैसला लिया है बहुजन समाज पार्टी ने 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है बता दें कि विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं करवा रही है जो आदिवासी समाज से आती है इसे विपक्ष ने आदिवासियों के सम्मान से जोड़ा है वहीं विपक्ष के इस मुद्दे का मायावती ने पलटवार किया है मायावती ने कहा कि इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना अनुचित है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है इसके साथ ही मायावती ने ट्वीट कर लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था वहीं पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण उन्हें प्राप्त हुआ है जिसके लिए वे आभार व शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं किंतु पार्टी के लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपने पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण वह उस समारोह में शामिल नहीं हो पाएगी हालांकि उससे पहले संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर विपक्ष ने कहा था कि जहां सत्ता का अभिमान हो विपक्ष का मान न हो ऐसी संसद के उद्घाटन में क्या जाना जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती इसके उद्घाटन में क्या जाना गौरतलब है कि विपक्ष के उन्नीस दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया ऐलान करने वालों में यूपी की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी भी शामिल है